हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं पेरी प्लेनेटा के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन, देन मॉर्फोलॉजी। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन देखते हैं। पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना काकरोच का। काकरोचेस बिलोंग टू द क्लास इंसेक्टा ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा। काकरोच जो हैं वे फाइलम आर्थ्रोपोडा के इंसेक्टा क्लास में बिलोंग करते हैं, रखे गए हैं। काकरोच को फाइलम आर्थ्रोपोडा के इंसेक्टा क्लास में रखा गया है। टू स्पेसीज ऑफ काकरोचेस कॉमनली फाउंड इन इंडिया आर। दो काकरोच के स्पीसीज हैं जो कॉमन रूप से इंडिया में पाई जाती हैं, पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना एंड ब्लाटा ओरिएंटालिस। तो फर्स्ट जो है वो पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना है और सेकंड जो है आपका ब्लाटा ओरिएंटालिस है, जो कॉमन रूप से इंडिया में पाए जाने वाले काकरोच हैं। ठीक है, फिगर आप देख सकते हैं। ये काकरोच का फिगर में आप देखें, पहले और कुछ पढ़ लेते हैं क्लासिफिकेशन में, फिर मॉर्फोलॉजी की चर्चा की जाएगी। द जेनरिक नेम पेरी प्लेनेटा वॉज गिवेन बाई बर्मिस्टर। ठीक है, बर्मिस्टर ने इसका नेम जो है पेरी प्लेनेटा दिया था। द जेनरिक नेम पेरी प्लेनेटा वॉज गिवेन बाई बर्मिस्टर। पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉमन स्पीसीज। तो पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना जो है वह लंबा, लार्जेस्ट बड़ा और कॉमन स्पीसीज होता है। काकरोचेस आर कार्सोरियल एंड नॉक्टर्नल। काकरोच जो होते हैं वे कार्सोरियल होते हैं, रनिंग होते हैं, दौड़ने वाले होते हैं, और नॉक्टर्नल होते हैं, रात्रि को निकलने वाले होते हैं। द एडल्ट पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना मेजर्स 28 टू 44 मिलीमीटर इन लेंथ एंड डार्क ब्राउन इन कलर। जो एडल्ट पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना है उनकी जो लेंथ है वह 28 से 44 मिलीमीटर तक होती है और इनका कलर जो है डार्क ब्राउन होता है। ठीक है, अब बात करते हैं मॉर्फोलॉजी का। इनके स्ट्रक्चर्स को देखते हैं ध्यान से। देखें, पेरीप्लेनेटा एक्सटर्नल फीचर बाहर से कैसे देखते हैं। यह मेल है आपका, मेल इन डार्सल व्यू, और यह आपका फीमेल इन वेंट्रल व्यू। ठीक है, यह मेल देखें, मेल में आप देख रहे हैं सबसे आगे हेड है इसका, हेड हेड में आप एंटीनी देख रहे हैं, एंटीनी निकली हुई है, एंटीनी। यह आपका प्रोनोटम, पहला हिस्सा जो है प्रोनोटम, उसके बाद मेजोनोटम और मेटानोटम। ये तीन पार्ट हैं, प्रोनोटम, मेजोनोटम और मेटानोटम। ठीक है, फिर आते हैं इसके बॉडी पे, आप देखें स्पाइरकल्स पाए जाते हैं। ये स्पाइरकल्स हैं, प्लेट्स हैं जिन्हें स्पाइरकल्स कहते हैं। यह देखें यह स्ट्रक्चर जिसे टर्गा कहा जाता है, यह स्पाइरकल्स हैं। यह आपका टर्गा हो गया, विंग्स पाए जाते हैं, एनल सरकाई, यह देखें एनल सरकाई जो है पाया जाता है इसमें, एनल स्टाइल। एनल स्टाइल केवल मेल में पाया जाता है, फीमेल में एनल स्टाइल नहीं पाया जाता है। फीमेल आप देखें एनल स्टाइल नहीं है, एनल सरकाई है। ठीक है, लेकिन एनल स्टाइल केवल मेल में होता है, फीमेल में नहीं होता है। आईज जो है आपका कंपाउंड आईज होता है, हेड हेड दोनों में हेड होता है, कंपाउंड आईज होते हैं, एंटीनी। ठीक है, या इसके पार्ट्स देख सकते हैं आप, जो सेवन पार्ट्स में दिखाए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7। एस्टर्ना इनको कहा जाता है, एस्टर्ना। या देखें इसमें फीमेल में गायनो वेलकुलर प्लेट्स हैं, गायनो वाल्व्यूलर प्लेट्स पाए जाते हैं इसमें। तो यह स्ट्रक्चर है फीमेल काकरोच एंड मेल काकरोच का।
आइए इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में चर्चा करते हैं। मॉर्फोलॉजी, बॉडी इज कवर्ड विथ काइटिनस एक्सोस्केलेटन ऑफ स्क्लेराइट्स। बॉडी जो है वह काइटिन की बनी एक्सोस्केलेटन से कवर रहता है, जिसे स्क्लेराइट्स कहा जाता है। कॉकरोच की बॉडी काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन से कवर होता है, जिसे स्क्लेराइट्स कहा जाता है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। बॉडी जो है इसका थ्री पार्ट में डिवाइड है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। सबसे सामने का वाला हिस्सा हेड है, फिर थोरैक्स होता है और फिर एब्डोमेन होता है। हेड इज ड्राइव्ड बाय द फ्यूजन ऑफ सिक्स एम्ब्रियोनिक सेगमेंट। हेड जो है वह सिक्स एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स के मिलने से बनता है, फ्यूज होने से बनता है। हेड इज ड्राइव्ड बाय द फ्यूजन ऑफ सिक्स एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स। सिक्स एम्ब्रियोनिक सेगमेंट्स के फ्यूजन होने से हेड का फॉर्मेशन होता है। द स्क्लेराइट ऑफ हेड इज फ्यूज्ड टू फॉर्म हेड कैप्सूल। ठीक है, द स्क्लेराइट्स ऑफ हेड, हेड के जो स्क्लेराइट्स होते हैं वे आपस में फ्यूज्ड हो जाते हैं, मिल जाते हैं और हेड कैप्सूल का फॉर्मेशन करते हैं। द पार्ट ऑफ हेड बिटवीन एंड बिहाइंड द आई इज एपिक्रेनियम वर्टेक्स। ठीक है, हेड का जो पार्ट है, द पार्ट ऑफ हेड बिटवीन एंड बिहाइंड द आई, आई के पीछे और हेड के बीच वाले हिस्से को एपिक्रेनियम कहा जाता है, वर्टेक्स कहा जाता है। द पार्ट ऑफ हेड बिटवीन एंड बिहाइंड द आई इज एपिक्रेनियम वर्टेक्स। द फ्रंट ऑफ हेड कैप्सूल इज मेड अप ऑफ थ्री अनपेयर्ड फ्लैटेंड स्क्लेराइट्स कॉल्ड फ्रॉन्स, कैलेपियस एंड लेब्रम। ठीक है, तो जो हेड के फ्रंट कैप्सूल है, हेड कैप्सूल है जो थ्री अनपेयर्ड फ्लैटेंड स्क्लेराइट्स से बने होते हैं, जिन्हें फ्रॉन्स, कैलेपियस एंड लेब्रम कहा जाता है। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ हेड कैप्सूल इज मेड अप ऑफ थ्री अनपेयर्ड फ्लैटेंड स्क्लेराइट्स कॉल्ड फ्रॉन्स, कैलेपियस एंड लेब्रम। फिगर देखें, यह हेड का फिगर है। पेरिप्लेनेटा एंटीरियर व्यू ऑफ हेड, हेड का एंटीरियर व्यू आप देख रहे हैं, जिसमें आप प्लेट्स फ्रॉन्स, कैलेपियस एंड लेब्रम, यह थ्री पार्ट्स को आप देख रहे हैं। द फ्रंट ऑफ हेड कैप्सूल, यह हेड कैप्सूल का फ्रंट है, जिसमें थ्री अनपेयर्ड फ्लैटेंड स्क्लेराइट्स पाए जाते हैं, जिन्हें फ्रॉन्स, क्लेपियस एंड लेब्रम कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, ऊपर की तरफ आइस, कंपाउंड आइस पाए जाते हैं इसमें। एपिक्रेनियल प्लेट्स ऑफ ऑसिपुट, यह है आपका एपिक्रेनियल प्लेट्स हैं ऑफ ऑसिपुट, वर्टेक्स इसको कहते हैं, वर्टेक्स। यह आप देखें, यह एंटीनी निकली हुई है, एंटीनी। ठीक है, यह इसका स्कैप है, एंटीनी का स्कैप। यह इंटरनल सॉकेट है, एंटीनल सॉकेट, जहाँ से आपका एंटीनी निकलती है। यह आपका बेसिएंटेनाई स्क्लेराइट्स है, बेसिएंटेनाई स्क्लेराइट्स। यह आप देखें, जीना, बेसमेंडुलर। ठीक है, यह आपकी जीना है, यह स्ट्रक्चर जीना कहलाती है। यह स्ट्रक्चर आपका बेसी मैंडिबुलर है, बेसी मैंडिबुलर। यह आपका मैंडिबल्स हैं, मैंडिबल्स। यह मैक्सिलरी पल्प हैं, मैक्सिलरी पल्प। यह आपका लेबियल पल्प है, यह आपका लेबियम है। ठीक है, यह आपका लेबियम, लेबियल पल्प, मैक्सिलरी पल्प। यह आपका मैंडिबल्स, बेसी मैंडिबुलर, जीना। यह सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं एंटीरियर व्यू ऑफ हेड्स हैं, जो कॉकरोच में दिखते हैं। आइए पढ़ते हैं इसको। हेड बियर्स अ पेयर ऑफ लॉन्ग एंटीनी। हेड के ऊपर एक जोड़ा लंबा एंटीनी पाया जाता है। अ पेयर ऑफ असिलाई आर फेनेस्ट्री
एंड ए पेयर ऑफ कंपाउंड आई। ठीक है, हेड पे क्या क्या होता है? हेड पर हेड बियर से पेयर ऑफ लॉन्ग एंटेनी, अ पेयर ऑफ ऑसिलाई आर फेनेस्ट्री एंड पेयर ऑफ कंपाउंड आई। हेड पे दो लंबे एंटेनी पाए जाते हैं, दो ऑसिलाई पाए जाते हैं जिन्हें फेनेस्ट्री भी कहा जाता है, और दो कंपाउंड आई पाए जाते हैं। द थोरैक्स कंसिस्ट ऑफ थ्री सेगमेंट, थोरैक्स पार्ट में थ्री सेगमेंट पाए जाते हैं, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। ठीक है, तो जो थोरैक्स पार्ट है, ठीक है, उसको आप थ्री पार्ट्स में, थ्री सेगमेंट्स में कंसिस्ट कर सकते हैं, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। थोरैक्स बियर्स थ्री पेयर ऑफ ज्वाइंटेड अपेंडेजेस एंड टू पेयर ऑफ विंग ऑन मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। ठीक है, थोरैक्स पर थ्री पेयर ज्वाइंटेड अपेंडेजेस पाए जाते हैं, तीन जोड़ी जो है पैर पाए जाते हैं जो ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, थोरैक्स बियर्स थ्री पेयर ऑफ ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, ज्वाइंट अपेंडेजेस पाए जाते हैं, एंड टू पेयर ऑफ विंग, दो जोड़े पंख पाए जाते हैं जो मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स पे होते हैं। ठीक है, तो थोरैक्स बियर्स थ्री पेयर ऑफ ज्वाइंटेड अपेंडेजेस एंड टू पेयर ऑफ विंग्स ऑन मेसोथोरैक्स एंड मेटाथोरैक्स। एब्डोमन इज द लार्जेस्ट एंड ब्रॉडेस्ट पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ 10 सेगमेंट। ठीक है, जो एब्डोमेन होता है वह लार्जेस्ट एंड ब्रॉडेस्ट पार्ट होता है जिसमें 10 सेगमेंट्स होते हैं। 11 सेगमेंट्स इन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में 11 सेगमेंट्स पाया जाता है, लेकिन एडल्ट में 10 सेगमेंट पाया जाता है विदाउट अपेंडिसेस। ठीक है, एब्डोमन इज ए लार्जेस्ट एंड ब्रॉडेस्ट पार्ट कंसिस्टिंग ऑफ 10 सेगमेंट विदाउट अपेंडेजेस। द 11th सोमाइट ऑफ एम्ब्रियो इज रिप्रेजेंटेड इन एडल्ट बाय पोडिकल प्लेट्स। ठीक है, तो जो 11th होता है जो एम्ब्रियो में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एम्ब्रियो में पाया जाता है, एडल्ट में उसको पोडिकल प्लेट्स कहा जाता है, पोडिकल प्लेट्स कहते हैं। द 11th सोमाइट ऑफ एम्ब्रियो इज रिप्रेजेंटेड इन एडल्ट बाई पोडिकल प्लेट्स। एक्सोस्केलेटन ऑफ ईच सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ फोर काइटनस प्लेट कॉल्ड स्ट्राइड्स। एक्सोस्केलेटन जो होता है पेरिप्लैनेटा में, एक्सोस्केलेटन ऑफ ईच सेगमेंट, प्रत्येक सेगमेंट में फोर काइटनस प्लेट्स होते हैं, फोर काइटनस प्लेट्स होते हैं जिसे स्क्राइड्स कहा जाता है। एक्सोस्केलेटन ऑफ ईच सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ फोर काइटनस प्लेट्स कॉल्ड स्क्राइड्स। द डार्सल स्क्राइड इज कॉल्ड टर्गम और टर्गाइट। जो डार्सल स्क्राइड्स होते हैं उनको टर्गम या टर्गाइट कहा जाता है। वेंट्रल स्क्राइड इज स्टर्नम और स्टर्नाइट। वेंट्रल स्क्राइड्स को स्टर्नम या स्नाइट कहते हैं। एंड टू लेटरल स्क्राइड्स आर कॉल्ड प्लूरा आर प्लूराइट्स। ठीक है, तो एक्सोस्केलेटन ऑफ ईच सेगमेंट कंसिस्ट ऑफ फोर काइटनस प्लेट्स। प्रत्येक सेगमेंट्स के एक्सोस्केलेटन पे फोर काइटनस प्लेट्स पाए जाते हैं जिन्हें स्क्राइड्स कहते हैं। डार्सल स्क्राइड्स को टर्गम या टर्गाइट कहते हैं। वेंट्रल स्क्राइड को स्टर्नम या स्टर्नाइट कहते हैं। एंड टू लेटरल स्क्राइड्स आर कॉल्ड प्लूरा आर प्लूराइट्स। द डार्सल प्लेट ऑफ द थोरैक्स इज कॉल्ड नोटम। ठीक है, जो डार्सल प्लेट होता है थोरैक्स का उसे नोटम कहा जाता है। द डार्सल प्लेट ऑफ द थोरैक्स इज कॉल्ड नोटम। द एंटीना इज मेड ऑफ मेनी सेगमेंट। ठीक है, जो एंटीना होता है वह मेनी सेगमेंट्स के बने होते हैं। द एंटीना इज मेड अप ऑफ मेनी सेगमेंट पोडोमियर्स। द फर्स्ट सेगमेंट इज स्कैप जो लार्जेस्ट होता है, सेकेंड पेडिसेल एंड रेस्ट मेनी ज्वाइंटेड प्लेजिलम। ओके स्टूडेंट्स, तो एंटीना जो है कॉकरोच में वह मेनी सेगमेंट्स से बना होता है जिसे पोडोमियर्स
कहते हैं द फर्स्ट सेगमेंट इज स्कैप जो लार्जेस्ट होता है, सेकेंड इज पेडिसेल एंड रेस्ट मेनी ज्वाइंटेड इज फ्लैजिलम। एंटीना इज ए थिग्मोरिसेप्टर, एंटीना इज ए थिग्मोरिसेप्टर सेंसिटिव टू टच। एंटीना जो है वह थिग्मोरिसेप्टर्स होते हैं जो टच के लिए सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। ये मॉर्फोलॉजी के बारे में था। अब देखते हैं माउथ पार्ट्स के बारे में। काकरोच में कौन कौन माउथ पार्ट्स होते हैं, फिगर में आप देख सकते हैं, यह काकरोच के माउथ पार्ट्स हैं, जिसमें यह फिगर आप देख रहे हैं लेबियम है, यह आपका मैक्सिला है, मैक्सिला, यह आपके मैंडिबल्स, लेब्रम, मैंडिबल, ठीक है। यह आपका हाइपोफेरिंग्स है जिसमें स्लाइवरी डक्ट होते हैं, ठीक है। मैक्सिला के पार्ट आप देख सकते हैं, मैक्सिला में 3 पार्ट हैं आपका, यह निचला वाला कार्डो है, स्टाइप्स एंड मैक्सिलरी पल्प, ठीक है। कार्डो, स्टाइप्स, कार्डो, स्टेपिस या मैक्सिलरी पल्प, यह मैक्सिला में आपका, ठीक है, पेल्फाइफर, पेल्पाइफर, ठीक है, गैलिया, ल्यूसिनिया, ये सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ठीक है। फिगर में आप देख सकते हैं लेबियम है ये आपका, इसमें यह पार्ट जो है आपका सबमेंटम कहलाता है, सबमेंटम, यह हिस्सा जो है मेंटम है आपका, मेंटम, सबमेंटम, यह स्ट्रक्चर जो है पेल्पाइजर कहलाता है, पेल्पाइजर, प्रीमेंटम, प्रीमेंटम है आपका, पैराग्लोसा, पैराग्लोसा, यह स्ट्रक्चर है आपका ग्लोसा, यह है आपका लेबियल पल्प, ठीक है। हाइपोफेरिंग्स में स्लाइड, या देखें आपका मैंडिबल, मैंडिबल में यह स्ट्रक्चर है जो इसको प्रोथिका कहते हैं, यह आपका कॉन्डाइल, यह आपका डेंटिकल्स। लेब्रम में आप देखें यह आपके मसल्स हैं, मसल्स, और ये आपके सेंसरी सिटी है। ये सारे स्ट्रक्चर जो हैं माउथ पार्ट्स में पाए जाते हैं, आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। माउथ पार्ट्स, माउथ पार्ट्स ऑफ काकरोच आर मैंडिबुलेट टाइप, आर कटिंग एंड चीविंग टाइप। काकरोच का जो माउथ पार्ट्स होता है वह मैंडिबुलेट टाइप होता है, इसे कटिंग या चीविंग टाइप कह सकते हैं, कुतरने वाला होता है, ठीक है, कुतरन वाला माउथ पार्ट्स जो है काकरोच में पाए जाते हैं। माउथ पार्ट्स ऑफ काकरोचेज आर मैंडिबुलेट टाइप आर कटिंग एंड चीविंग टाइप। माउथ पार्ट्स कंसिस्ट ऑफ लेब्रम अपर लिप, ठीक है, माउथ पार्ट्स में लेब्रम पाया जाता है जिसे अपर लिप कहते हैं, लेबियम जिसे लोअर लिप कहते हैं, ठीक है। माउथ पार्ट कंसिस्ट ऑफ लेब्रम अपर लिप, ठीक है, लेबियम लोअर लिप, मैक्सिले सेगमेंटेड एंड रिसेम्बल टू द लेग, मैंडिबल्स एंड हाइपोथेरिंग्स जिसे, हाइपोफेरिंग जिसे टंग कहा जाता है। तो माउथ पार्ट कंसिस्ट ऑफ लेब्रम अपर लिप, लेबियम लोअर लिप, मैक्सिले सेगमेंटेड एंड रिसेम्बल टू ए लेग, मैंडिबल्स एंड हाइपोफेरिंग्स टंग। द मेन स्ट्रक्चर्स ऑफ मैस्टिकेशन, जो मेन स्ट्रक्चर होता है मैस्टिकेशन के लिए, चेविंग करने के लिए, पीसने के लिए, आर मैंडिबल्स विच आर शॉर्ट विथ टीथ, जिसपे छोटे छोटे टीथ के उभार होते हैं, यह आप देख सकते हैं यह स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो मेन स्ट्रक्चर जो होता है मैस्टिकेशन के लिए, कुतरने के लिए, चेविंग के लिए, वो होता है मैंडिबल्स विच आर शॉर्ट विथ टीथ। मैक्सिला कंसिस्ट ऑफ, मैक्सिला में कौन कौन पार्ट पाए जाते हैं, मैक्सिला कंसिस्ट ऑफ कार्डो, स्टाइप्स, स्टाइप्स, गैलिया, लेसिनिया एंड 5 सेगमेंटेड मैक्सिलरी पल्प। तो मैक्सिला कंसिस्ट ऑफ कार्डो, मैक्सिला में कार्डो, स्टाइप्स, गैलिया, लेसिनिया एंड 5 सेगमेंटेड मैक्सिलरी पल्प पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका लेबियम, जिसे सेकेंड मैक्सिला कहते हैं, लेबियम को, कंसिस्ट ऑफ सब मेंटम, मेंटम एंड प्रीमेंटम, पल्पाइजर, पैराग्लोसा, ग्लोसा एंड 3 ज्वाइंटेड लेबियल पल्प, ठीक है।
तो लेबियम को सेकेंड मैगजिला कहते हैं, जिसमें सब मेंटम, मेंटम, प्री मेंटम, पैल्पाइजर, पैराग्लोसा, ग्लोसा एंड थ्री ज्वाइंटेड लेबियल पल्प पाए जाते हैं। ग्लोसा एंड पैराग्लोसा आर कलेक्टिवली कॉल्ड लिंगुला। ग्लोसा एंड पैराग्लोसा, ग्लोसा और पैराग्लोसा को एक साथ लिंगुला कहा जाता है। अ कॉमन सलाइवरी डक्ट ओपन एट द बेस ऑफ द हाइपोफेरिंक्स। ठीक है, तो कॉमन सलाइवरी डक्ट्स होते हैं जो हाइपोफेरिंक्स के बेस पर ओपन होते हैं, खुलते हैं। द स्टडी ऑफ माउथ पार्ट इन इंसेक्ट इज डन अंडर होमोलॉजी एंड एडाप्टेशन। माउथ पार्ट्स इंसेक्ट का स्टडी जो है वह होमोलॉजी एंड एडाप्टेशन के अंतर्गत किया जाता है। अब आते हैं अपेंडेजेस के बारे में। अपेंडेजेस कौन कौन है, इनके बारे में पहले लेग के बारे में चर्चा किया जाएगा। लेग में कौन कौन पार्ट होते हैं। लेग ऑफ काक्रोच इज फाइव सेगमेंटेड। सेगमेंट काक्रोच का लेग होता जो है उसमें फाइव सेगमेंट पाए जाते हैं। लेग ऑफ काक्रोचेज इज फाइव सेगमेंटेड। सेगमेंट्स फॉर बेस आर, ठीक है, काक्रोच के लेग्स में कितने सेगमेंट्स होते हैं, फाइव सेगमेंट्स होते हैं। सेगमेंट्स फ्रॉम बेस आर कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया एंड टॉर्सस। ठीक है, तो कौन कौन पार्ट्स होते हैं इसके लेग में, आप देख सकते हैं यह काक्रोच का लेग है जिसके फाइव पार्ट्स होते हैं। अ लेग ऑफ काक्रोच एंड इट्स प्रीटॉर्सस फिगर आप देख सकते हैं। इस फिगर को अगर आप ध्यान से देखें, इसमें काक्रोच के अलग अलग पार्ट्स को दिखाए, देखें ध्यान से, इसमें यह फूला हुआ हिस्सा है जो है इसको कॉक्सा कहा जाता है। कॉक्सा यह आपका फीमर है, यह आपका ट्रोकेंटर है, ट्रोकेंटर यह स्ट्रक्चर जो है इसे टीबिया कहा जाता है, टीबिया, और यहां से यहां तक के स्ट्रक्चर को टार्सस कहा जाता है। ठीक है, तो फाइव पार्ट्स होते हैं काकरोच के लेग में, कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया एंड टॉर्सस। ठीक है, टॉर्सस में अगर देखा जाए तो इसमें प्लैंटुली, ये छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिनको प्लैंटुली कहा जाता है, और नीचे वाले हिस्से का जूम फिगर यहाँ बना हुआ है जिसमें आप देख रहे हैं ये क्लॉ है, एरोलियम, इससे उभार निकला जिसे एरोलियम कहा जाता है, और इस पार्ट को प्री टॉर्सस कहा जाता है। तो काकरोच के लेग में फाइव पार्ट्स होते हैं, कॉक्सा, फीमर, ट्रोकेंटर, टीबिया एंड टॉर्सस। ठीक है, आइए पढ़ते हैं इसको। अपेंडेजेस के बारे में आप पढ़ रहे हैं। लेग ऑफ काकरोच इज फाइव सेगमेंटेड। सेगमेंट्स फ्रॉम बेस आर कॉक्सा, ट्रोकेंटर, फीमर, टीबिया एंड टॉर्सस। टॉर्सस इज सब डिवाइडेड इंटू फाइव टार्सोमियर्स। टॉर्सस जो है फिर से फाइव टार्सोमियर्स में डिवाइड होते हैं। द लास्ट टार्सोमियर इज कॉल्ड प्री टॉर्सस। जो लास्ट टार्सोमियर होता है उसे प्री टॉर्सस कहते हैं। फॉर्मिंग द क्ला एंड वियरिंग एन एडहेसिव एरोलियम आर पल्वाइलस। ठीक है, तो जो आपका लास्ट पार्ट होता है, ठीक है, जिसे प्री टॉर्सस कहते हैं, वहां पे क्लॉ फॉर्मेशन होता है और उसमें एक एडेसिव पार्ट होता है, चिपकने वाला पार्ट होता है जिसे प्री टॉर्स, जिसे एरोलियम या फिर पल्वाइलस कहा जाता है। टॉर्सस इज सब डिवाइडेड इंटू फाइव टॉर्सोमियर्स। द लास्ट टॉर्सोमियर इज कॉल्ड प्री टॉर्सस। फॉर्मिंग द क्ला एंड बियरिंग एंड एडेसिव एरोलियम आर पल्वाइलस। सिमिलर बट स्मॉलर एडेसिव पैड्स कॉल्ड प्लैनुला। ठीक है, सिमिलर लेकिन छोटा जो है एडेसिव पैड्स होते हैं जिसे प्लैनुला कहा जाता है, आर लोकेटेड एट ईच ज्वाइंट ऑफ द टॉर्सस। ठीक है, प्रत्येक टॉर्सस के ज्वाइंट पे प्लैनुला पाया जाता है जो सिमिलर होता है लेकिन छोटा होता है एडेसिव पैड्स के। आगे देखते हैं, इसकी बात हो रही थी एरोलियम की। ठीक है, जो एक एडेसिव पार्ट है, चिपकने वाला पार्ट है। द मोस्ट स्वेलन सेगमेंट इन द लेग
ऑफ काक्रोच इज कॉक्सा। जो सबसे फूला हुआ हिस्सा होता है काकरोच का उसे क्या कहते हैं, कॉक्सा कहते हैं। द लॉन्गेस्ट सेगमेंट इन द लेग ऑफ काकरोच इज टिबिया। जो सबसे लंबा सेगमेंट होता है काकरोच का उसे क्या कहा जाता है, टिबिया कहा जाता है। एब्डोमिनल सेगमेंट आर विदाउट लेटर अपेंडेजेस। ठीक है, अगर एब्डोमिनल सेगमेंट्स की बात की जाए, एब्डोमिनल सेगमेंट्स उसमें जो है लेटरल अपेंडेजेस नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो द मोस्ट स्वेलन सेगमेंट्स इन लेग ऑफ काक्रोच इज कॉक्सा, द लॉन्गेस्ट सेगमेंट इन द लेग ऑफ काक्रोच इज टिबिया, एब्डोमिनल सेगमेंट आर विदाउट लेटरल अपेंडेजेस। एनल सर्काई, ठीक है, हाइंड पार्ट ऑफ एब्डोमन डार्सल व्यू, फिगर देख सकते हैं आप, यह आपका फिगर है, हाइंड पार्ट ऑफ एब्डोमेन डार्सल व्यू। इस फिगर में आप देख सकते हैं यह आपका मेल, फीमेल, फीमेल में आप देख रहे हैं यह एनल सर्काई है, यह आपका टेंथ टर्गम है। ओपनिंग ऑफ ओथिकल चेंबर, यह ओपनिंग है आपका ओथिकल चेंबर का। मेल में आप देखें एनल स्टाइल पाए जाते हैं, जो फीमेल में नहीं होते हैं एनल स्टाइल। आपका यह आपका टेंथ टर्गम है और यह आपका दोनों में होता है एनल सर्काई। एनल सर्काई दोनों में है, एनल स्टाइल्स जो है केवल मेल काक्रोच में होता है, फीमेल में एनल स्टाइल्स नहीं पाए जाते हैं। यह आपका टेंथ टर्गम है, ठीक है, यह आपका फीमेल में ओपनिंग ऑफ ओथिकल चेंबर है। यह सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, आइए इनके बारे में देखते हैं। एनल सर्काई अ पेयर ऑफ मेनी ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट ऑन द टर्गाइट ऑफ टेंथ सेगमेंट इन बोथ सेक्सेस। ठीक है, दसवें सेगमेंट में दोनों बोथ सेक्सेस, मेल हो या फीमेल हो, के दसवें सेगमेंट में ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे एनल सर्काई कहा जाता है। एनल सर्काई अपीयर ऑफ मेनी ज्वाइंटेड स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट ऑन द टर्गाइट ऑफ टेंथ सेगमेंट इन बोथ सेक्सेस। एनल स्टाइल अपीयर ऑफ स्मॉल स्पाइन लाइक अनज्वाइंटेड स्ट्रक्चर। एनल स्टाइल अपीयर ऑफ स्मॉल स्पाइन लाइक अनज्वाइंटेड स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट ऑन स्टरनाइट ऑफ नाइन्थ सेगमेंट ऑफ मेल्स ओनली। ठीक है, तो मेल के नौवें सेगमेंट में एनल स्टाइल पाया जाता है जो कि स्पाइन लाइक स्मॉल स्ट्रक्चर अनज्वाइंटेड स्ट्रक्चर होता है जो केवल मेल में पाया जाता है। एनल स्टाइल अपीयर ऑफ स्मॉल स्पाइन लाइक अनज्वाइंटेड स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट ऑन स्टरनाइट ऑफ नाइन्थ सेगमेंट इन मेल ओनली। एनल सर्काई बियर्स मिनट सेंसरी हेयर्स। एनल सर्काई पे छोटे छोटे सेंसरी हेयर्स पाए जाते हैं विच आर सेंसिटिव टू साउंड एंड अदर वाइब्रेशन। जो साउंड और अदर वाइब्रेशन के लिए सेंसिटिव होते हैं। ठीक है, तो एनल सर्काई बियर्स मिनट सेंसरी हेयर विच आर सेंसिटिव टू साउंड एंड अदर वाइब्रेशन। विंग्स के बारे में देखते हैं। काक्रोच हैज टू पेयर ऑफ विंग्स। काक्रोच में दो जोड़ी पंख पाए जाते हैं। द फर्स्ट पेयर मेसोथोरैकिक आर थीक हार्ड एंड लेदरी प्रोटेक्टिव इन फंक्शन कॉल टैगमिना इलेक्ट्रा। ठीक है, तो काक्रोच में दो पेयर विंग पाए जाते हैं, दो जोड़े पंख पाए जाते हैं। जो पहला पेयर होता है वो मेसोथोरैकिक रीजन में होता है जो कि थीक हार्ड एंड लेदरी होता है। प्रोटेक्टिव इन फंक्शंस या प्रोटेक्टिव फंक्शन का काम करता है इसलिए इसको टैगमिना कहते हैं, इलेक्ट्रा कहा जाता है। सेकेंड पेयर आर थीन सॉफ्ट एंड मेम्ब्रेनस। जो दूसरा पेयर होता है पंख का वह पतला होता है, सॉफ्ट होता है, मेम्ब्रेनस होता है जो मेटाथोरैकिक रीजन में निकलता है। काकरोच डज नॉट फ्लाई। काकरोच उड़ नहीं सकता है। इट इज ए कर्सोरियल इंसेक्ट या कर्सोरियल इंसेक्ट है, दौड़ने वाला है। बट द विंग हेल्प इन स्केपिंग फ्रॉम डेंजर। लेकिन इसके जो विंग्स हैं खतरे होने पर भागने में मदद करते हैं। काकरोच डज नॉट फ्लाई। इट इज ए
कर्सोरियल इंसेक्ट बट द विंग्स हेल्प इन एस्केपिंग फ्रॉम डेंजर. बोथ मेसोथोरैकिक एंड मेटाथोरैकिक विंग हैव वेनेशन. ठीक है, चाहे मेसोथोरैकिक हो या फिर मेटाथोरैकिक विंग्स हो, दोनों में वेनेशन होता है. ओके स्टूडेंट्स, तो यह था आपका मॉर्फोलॉजी के बारे में. काकरोच के मॉर्फोलॉजी के बारे में आपने पढ़ा, इसमें अलग अलग पार्ट के बारे में आपने माउथ पार्ट, अपेंडेजेस, लास्ट में विंग पढ़ा. अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एनाटॉमी के बारे में पढ़ाएंगे, जिसमें आप बॉडी वॉल, बॉडी कैविटी, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ. आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. धन्यवाद दोस्तों. थैंक यू दोस्तों.